भाइयों बहनों, आप हैरान होंगे कि किस प्रकार से देश चलाया इन लोगों ने। रेलवे में एक बड़ा काम होता है डबल लाइन करना। पहले की सरकार उनके आखिरी 3 साल में जो काम करते थे उस काम को हमने पहले 3 साल में कैसे किया। वे नई रेल लाइन 1 साल में, 3 साल में, उनके आखिरी 3 साल में 1100 किलोमीटर रेल की नई लाइनें डाली थी। 3 साल हमने आकर के 3 साल में 2100 किलोमीटर नई रेल लाइन डाली है, यानी लगभग डबल रफ्तार से काम किया है। एक काम होता है रेलवे में आगे बढ़ाने के लिए दोहरीकरण, डबल लाइन करना। जैसे नई लाइन हमने डबल किया, वैसे दोहरी लाइन, डबल लाइन करना ट्रैक पर, ताकि ट्रैफिक जाम न हो, गुड्स ट्रेन जा सके, ट्रेन को समय पर पहुंचाया जा सके। पहले की सरकार 3 साल में 1300 किलोमीटर डबलिंग का काम करते थे, हमने 3 साल में 2600 किलोमीटर करके दिखाया। वो काम भी हमने डबल करके दिखाया। उसी प्रकार से देश की रेल को आधुनिक बनाने के लिए, डीजल से मुक्ति दिला करके बिजली से चलने वाली रेल पटरियां, रेल की लाइन बने, इंजन लगे, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, बिजलीकरण के इस काम में पुरानी सरकार ने 3 साल में 2500 किलोमीटर पे काम किया था। बीडर के मेरे नौजवान, आपको खुशी होगी, हमने 3 साल में 4300 किलोमीटर का काम पूरा किया। और ये काम करने के लिए धन भी लगता है, इस काम को करने के लिए जन भी लगता है, नौजवान को नए रोजगार के अवसर मिलते हैं। पहले जितने लोगों को काम मिलता था उसे डबल लोगों को काम मिलता है, और धन भी सही जगह पर सही काम के लिए उपयोग होता है, तब जाकर के देश प्रगति करता है।